नहीं, महंगी चीज़ें मैं पछता होने के लिए नहीं खरीदता, पसंद आती इसलिए खरीदता हूँ। ठीक है, वो वाली मम्मी को वो वाली लाइफ दिखानी है कि मम्मी मतलब पसंद करे। मुझे खुद का ब्रांड करना है, खुद का ब्रांड बनाना है, हजार नहीं लाखों में ब्रो। सभी क्यूरियस होते हैं ये जानने के लिए कि उनके फेवरेट सेलेब्स ने कितने रुपयों की घड़ी पहनी है, उनकी गाड़ी कितने करोड़ों की है। तो बस फैंस के इन सवालों का जवाब टेली मसाला के पास है। शूज, मैं शूज लवर हूँ भाई, और मुझे शूज पहनना बहुत पसंद है। सोना, गोल्ड, ये बीच की बात है, 10 लाख की चेन किया था। नहीं, महंगी चीज़ें मैं पछता होने के लिए नहीं खरीदा, पसंद आती इसलिए खरीदता हूँ। नहीं, ऐसी कोई तो चीज़ें नहीं। सबसे महंगी जगह, हाँ दुबई में गया, वो महंगी से महंगी होटल में मम्मी को लेके। नहीं, वो बस मेरी ख्वाहिश थी कि वो वाली मम्मी को वो वाली लाइफ दिखानी है कि मम्मी मतलब पसंद करे, बट नॉर्मली जीना पसंद है मम्मी को। बट मैंने किया था एक्सपेंसिव होटल। मुझे खुद का ब्रांड करना है, खुद का ब्रांड बनाना है, बहुत एक्सपेंसिव, जिसको हर एक, वो दिखेगा एक्सपेंसिव बट जिसको हर एक बंदा पहन सके। नहीं, मैंने सोचा है कि मैं, क्योंकि मेरे जो चाहने वाले, तो वो लोग को ऐसा होता है कि रोहित क्या पहन रहे हो आप, मतलब उनको मेरी स्टाइल पसंद आती है। तो मैं चाहता हूँ कि जो मैं स्टाइल पहनता हूँ वो आज मैं खुद के ब्रांड में कन्वर्ट करूँ, और वो मैं जो पहनता हूँ और मैं चाहता हूँ मैं वही जो मैं पहनता हूँ वो मेरी पब्लिक पहने। तो ये मेरा है गोल। नेक्स्ट चाहता हूँ ऐसा, मेरी मैनेजर से शूज, हज़ार नहीं लाखों में ब्रो। लिस्ट में ब्रो देखो, जो जो है कुछ कुछ पूरा हुआ है और कुछ कुछ जो पूरा करना है। जो अभी तो शौक बहुत पूरे कर लिए मैंने, अभी नेक्स्ट मेरा गोल है घर, देन दीदी की शादी, देन उसके बाद वापस शौक। घर में कौन सी महंगी चीज़ें, मेरी माँ और मेरी बहन बहुत महंगी, जिसका कोई कीमत नहीं है। मेरे कपड़े, मेरे शूज एंड ऑल, मेरा कलेक्शन ही सबसे महंगा। नहीं, मेरे को एक्सपेंसिव फूड खाना नहीं पसंद, मेरे को वो अपना नॉर्मल वाला चाइनीज वाइनीज ये सब पसंद है। ट्रिपल राइस खा लेते कभी। हाँ, जब मेरे इंस्टाग्राम पे लाइक 13 मिलियन हुए थे, तो मैंने ऐसा सोचा था कि उसको कहीं, मैं दुबई में था, तो मैं सोचा कि उसको कुछ अकेला सेलिब्रेट करूँ, कोई नहीं था मेरे साथ, ना दोस्त कोई नहीं थे। मैंने सोचा बुर्ज खलीफा जाके, ऊपर जाके देन वो करूँ और एक पोस्ट करूँ। देन मेरे को उधर कुछ समझ ही नहीं रहा था मैंने कि ये क्या होता है। मैंने बोला भाई जो अच्छा है वो लेके आ जाओ। देन देखा, मैंने फ़ोटो क्लिक कर ली, उसको खाया भी नहीं, सिर्फ देखा, क्योंकि वो दिखने में अच्छा लग रहा था। फ़ोटो क्लिक कर ली, हो गया मेरा काम, सेलिब्रेट कर लिया, और उसका कुछ आया था बिल 28-9 थाउजेंड ऐसा कुछ, सिर्फ एक बर्गर टाइप था कुछ, वो पता नहीं सोने का बर्गर होगा आई थिंक ब्रो। एक्सपेंसिव लाइफ की बात अलग है और जीना कैसा उसकी बात अलग है। एक्सपेंसिव भी जीना चाहता हूँ और नॉर्मल भी जीना चाहता हूँ, बट एक्सपेंसिव में ऐसा जीना होता है, मेरे को गाड़ियों का बहुत शौक है, तो गाड़ियाँ लेनी मेरे को आफ्टर दीदी के शादी के बाद, मतलब तो गाड़ियाँ, घर, यही। नहीं, ऐसा कोई नहीं, मैं खुद ही जो बनना चाहता हूँ कुछ अलग, तो ये है। बट कुछ कुछ लोगों से इंस्पिरेशन मिलती है, जैसे रणवीर सिंह की लाइफस्टाइल हो गई, उनको देख के बहुत अच्छा लगता है, लाइक उनका जो कूल ड्रेसिंग सेंस, वो देख के बहुत अच्छा लगता है।